नमस्ते, आज मेरे साथ डॉक्टर पूजा है। मेरा नाम डॉक्टर जय परमार है। पिछले वीडियो में हमने MBBS कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्राइमरी हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि MBBS एब्रॉड में ही क्यों, MBBS के आगे हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर पूजा। मैं उनसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने एब्रॉड में से MBBS किया है, तो MBBS एब्रॉड में से ही क्यों? पहली बात तो यहाँ पे इंडिया में अगर हम लेते हैं तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स होते हैं। दूसरा, अभी अगर हम परसेंटेज अच्छे भी लाते हैं, अगर 12% हमारे अच्छे भी होते हैं, उसके बाद अब नीट UG हमें देना पड़ता है। अगर नीट UG में सपोज अगर मेरे मार्क्स कम आ जाते तो फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में लेना पड़ता है, जिसकी फीस या डोनेशन बहुत ज़्यादा है। वो अभी आपको उसका लेवल पता ही हो कि MBBS के लिए भी, जब PG की इतनी ज़्यादा तो MBBS की भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरा सिलेक्शन, और मुझे टाइम वेस्ट या ईयर वेस्ट नहीं करना था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन अब्रॉड जाना मुझे ज़्यादा बेटर लगा। आप टाइम की बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब्रॉड में जाने के लिए ये स्टडी का ड्यूरेशन जो रहता है, कई देशों में 6 साल का है, कई देशों में 7 साल का है, तो ये ड्यूरेशन कैसे मैटर करता है? ड्यूरेशन ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है। एक तो आपकी एज, प्लस आपका जो MBBS करने के बाद आप जब और आगे फॉरवर्ड स्टडीज करने जाते हैं तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड और ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। तो जो भी आप सिलेक्ट करें, कोई भी कंट्री सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऐसी कंट्री करें जहाँ पर ड्यूरेशन कम हो, MCI अप्रूव्ड हो, ड्यूरेशन होना चाहिए। प्लस अगर आपको इंटर्नशिप करनी भी हो तो वैलिड होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। मतलब कि कम से कम ड्यूरेशन हो, जैसे कम से कम ड्यूरेशन हो तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NMC Bill में जो अभी ड्यूरेशन की बात आई है, तो जो MD प्रोग्राम जो चल रहे हैं, MD और DMB जो डिप्लोमा कोर्सेज है आफ्टर MBBS के बाद, तो जो MD प्रोग्राम 3 साल का था वो अभी 4 साल का हो गया, और जो DMB प्रोग्राम 2 साल का था वो प्रोग्राम अभी 3 साल का हो गया। तो अगर आप 7 साल एब्रॉड में अगर या 6 साल करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके आपको अगर MCA पहली क्रैक कर ली तो ठीक है, और उसके बाद आपको 4 साल का MD करना पड़ेगा। इयर्स वेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली, तो इयर्स वेस्ट होते हैं। इंडिया के रूल्स कभी भी चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी DNB अगर आपने बोला या कुछ भी, रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इयर्स वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं है। आपके एक तो एज पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस आगे आपको जो करियर ओरिएंट करना है उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो बेटर है जो लेस ड्यूरेशन है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि MCA क्रैक करने में कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, एक या दो ट्राई तो करनी पड़ती है स्टूडेंट को, क्योंकि सारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है और कंपटीशन भी इतनी सारी है कि आपको एडमिशन लेना भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे PG में भी काफ़ी सारा रश है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे PG की सीट्स बहुत लिमिटेड, PG को या MBBS को सीट्स बहुत लिमिटेड है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये PG की सीट लिमिटेड है, तो जो इतने सारे लोग बाहर, जो 4-5 हज़ार लोग हर साल जा रहे हैं, गुजरात में इतने सारे लोग जा रहे हैं, बाहर से भी जा रहे हैं, तो अभी ये ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है कि हम PG के लिए क्या करना चाहिए, अगर MBBS हमें कहाँ पे करने चाहिए, तो PG का हमें कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप बाहर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजिकली और नॉलेज वाइज अगर आपको बहुत इंटरेस्टेड हो या आपको हाई नॉलेज चाहिए, तो आई थिंक अब्रॉड में PG करना, जैसे USMD हो गया, ब्लैब हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल हो गए, इन सब में से करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्लस आपकी अर्निंग बहुत मैटर करती है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे PG करने से बहुत टफ है, लिमिटेड सीट्स है, इतनी सारी फीस है। टफ PG नहीं है, टफ है सीट्स लेना, एग्जाम्स थ्रू करना, वो सब बहुत लिमिटेड हो जाता है हमारे लिए। एग्जैक्टली, तो अभी यहाँ पे इतना PG का एडमिशन लेना इतना टफ है, तो आप USMD की बात कर रही है, लोगों में एक बड़ा सा हाव है कि USMD बहुत ही टफ है, बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही है, तो आप जरा ये बताइए कि USMD की आप प्रिपरेशन वैसे ही कर रही है, और आपको पता है कि USMD का कैसे प्रिपरेशन करनी है, पहले तो ये बताइए USMD की प्रोसेस क्या है, मतलब कि कैसे USMD में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, फिर रेसिडेंसी क्या है। USMD का जो स्टेप 1 है, दैट इज ऑल अबाउट बेसिक साइंसेस। हम हमारा बेसिक साइंस पैरामेडिकल कोर्स हम कैसे प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, वो हमारा स्टेप 1 होता है। तो स्टेप 1 अगर मुझे गाइडेंस मिला होता तो मैं शायद कॉलेज के
टाइम ही अपना स्टेप वन क्लियर कर चुकी होती। स्टेप वन इज ऑल अबाउट पैरामेडिकल, उसमें आपको अप्लाई करने का कुछ वो नहीं होता है। आपकी कॉलेज अगर एफिलिएटेड है तो आपकी कॉलेज से आपको एक लेटर लेना पड़ता है जो कि आप ECFMG में अपलोड करते हैं, जो कि यू असेंबली की ऑनलाइन साइट है, उसमें ECFMG में अपलोड करते हैं, वो अप्रूवल कर देते हैं, उसके बाद वो खुद वेरिफिकेशन आपके कॉलेज में भेजते हैं और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्मूदर हो जाता है। तो ये हमारी कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि हम पहले से ESMD की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो ये स्टेप वन हो गया, तो स्टेप टू के लिए क्या क्राइटेरिया है? स्टेप टू के लिए भी आपका जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो तो सेम है कि आपको ECFMG से अप्रूवल करवाना है। स्टेप टू में आपका बेनिफिट ये होता है, उसकी दो पार्ट है, CKCS, क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स। अब अगर आपको लगता है कि आप स्किल्स में बहुत अच्छे हो तो आप स्किल्स का पार्ट पहले ले सकते हो, नॉलेज का बाद में ले सकते हो। आपकी कॉलेज का रोटेशन अगर बहुत अच्छे, सपोज कोई कॉलेज है जो कि एफिलिएटेड है US, नेपाल, काफ़ी सारे होते हैं जो US, नेपाल, UK या अदर कंट्रीज में एफिलिएटेड होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ लिंक होते हैं। अगर मैं सपोज एग्जांपल करूँ, एक कॉलेज है जो कि US के हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड है, तो वो क्लर्कशिप्स कराते हैं जो कि बहुत ईजी हो जाता है अंदर घुसना USMD के लिए। तो स्टेप टू में CK में अगर आपके क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं CS, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो फिर ईजी पार्ट। तो ये दोनों आपने स्टेप वन क्लियर कर लिए, स्टेप टू क्लियर कर लिए, तो अभी स्टेप थ्री का क्या क्राइटेरिया रहता है कि स्टेप थ्री का कोई आपका स्टेप वन स्टेप टू हो गया, उसके बाद आपको रेसिडेंसी मैच के लिए अप्लाई करना पड़ता है। रेसिडेंसी मैच के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा हो, प्लस अगर आपने क्लर्कशिप या एक्सटर्नशिप जो कि कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं और वो क्लिनिकल राउंड्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं, तो अगर वो मेरा कॉलेज, सपोज एग्जांपल मेरा कॉलेज एफिलिएटेड होता और मैं उसके थ्रू US के किसी भी कॉलेज में क्लर्कशिप या एक्सटर्नशिप करने चाहती और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मुझे मिलते, तो वो मेरा एक प्रोफाइल हैवी हो जाता कि मैंने वो चीज़ करी है और वो मुझे मैच में हेल्प करता। मैच मतलब कि PG सीट लेना, इक्विवेलेंट टू PG सीट लेना यहाँ इंडिया में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, प्लस आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। वो अगर आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद स्टेप थ्री होता है, और आप रेसिडेंसी में जब स्टाइफन वाइफन मिलता है उसके बाद आप काइंड ऑफ स्टेप थ्री बोल दें तो थीसिस और उसका पूरा रिजल्ट, वो आपका स्टेप थ्री होता है, जो कि आपको रेसिडेंसी के बाद करना है। यस एग्जैक्टली, रेसिडेंसी के बाद करना होता है। और मैंने ये सुना कि स्टाइफन बहुत तगड़ा मिल रहा है यहाँ से, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हम कर करके घिस घिस के थक जाते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता। वहाँ का स्टाइपेंड, स्टार्टिंग स्टाइपेंड ही अगर आप नॉर्मली एक ब्रांच या फिर एक कॉलेज का देखें, 8,000 to 10,000 US dollars पर मंथ से स्टार्ट होता है। That's great. तो ऑब्वियसली दैट इज इवन नॉट इक्विवेलेंट टू, आप यहाँ पे सालों लगा लो लेकिन आप वो उतना नहीं कर पाते। सो अगर पर मंथ कैट में आते तो ईयरली तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ये USMD के बारे में हमने बात की, लेकिन कई लोग जाना चाहते हैं USA में नहीं जाना चाहते, कई लोग कहते हैं कि हमें UK में जाना है, तो UK के लिए जो एक प्लेब है, तो प्लेब का क्या क्राइटेरिया है? प्लेब का भी सेम है, प्लेब 1 and 2 में डिवाइड होता है। प्लेब 1 होता है, USMLE 1 पार्ट जो है वो 8 hours का एग्जाम है जो कि 8 slots में डिवाइडेड है, हर स्लॉट में 40 questions अप्रोक्सीमेटली होते हैं। और स्टेप 1 प्लेब में जो है उसके 200 MCQs है जो आपको कुछ आवर्स का रहता है, मुझे आवर्स क्लियर नहीं, आवर्स का कुछ रहता है, वो सेम है ऑलमोस्ट, वही पैरा क्लिनिकल्स है। देन प्लैब का 2 है जो कि क्लिनिकल्स है पूरा, उसमें आपके स्किल्स और नॉलेज दोनों आ जाते हैं, तो वो भी 8 divisions में डिवाइडेड है, उसको आप क्लियर कर लें फिर आप एप्लीकेबल होते हो वहाँ पर प्रैक्टिस करने। मतलब क्या, अगर आपने USMLE पास कर ली या स्टेप क्लियर कर ली है तो प्लैब का कुछ करना इक्विवेलेंट हो जाएगा? एक्चुअली USMLE एक आप मान लो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर आपने USMLE पार्ट 1 कर लिया तो आप न्यूजीलैंड के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, तो न्यूजीलैंड में आपको और वो खुद ही बुला लेते हैं कि आप ठीक है यहाँ पर प्रैक्टिस करने या रेसिडेंसी करने आप आ सकते हो। दूसरा, अगर आप स्टेप 2 तक क्लियर कर लेते हो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्लैब 2, तो वो फिर आपसे प्लैब 2 नहीं लेंगे। प्लैब 2 का एक वो है कि आपको प्लैब 2 के पहले IELTS या TOEFL एग्जाम देना पड़ेगा। USMLE के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये हम USMLE और प्लेब की बात इसलिए कर रहे हैं कि आजकल हमारे इंडिया में PG की सीट्स काफ़ी सारी लिमिटेड है। कैलकुलेशन के हिसाब से हम जाए तो 7 साल का या 6 साल का प्रोग्राम करके
हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें एमसीए क्लियर करने के लिए एक साल और हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रिपरेशन करने के बाद पीजी में एडमिशन मिला तो नहीं तो अगले साल तक हमें वो वेट करना पड़ता है। हमारा जो एमसीए का जो करिकुलम है और यू असेंबली स्टेप 1 या प्लैब स्टेप 1 की बात करें करिकुलम है वो बहुत ही डिफरेंट है। Right. जो हम अब्रॉड में स्टडीज करते हैं सपोज मैं बोल रही हूँ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो मैंने स्टडीज करी हैं वो ही मेरी स्टडीज का करिकुलम यू असेंबली स्टेप 1 का है या प्लैब 1 का है जो इंडिया में टोटली वे डिफरेंट है। और इवन तो यहाँ पर भी बहुत कंपटीशन है तो आप जो पास परसेंटेज देखते हैं उसमें बहुत पैशनिटीज होती है यहाँ पर। ओके तो आपका कहने का मतलब ये है कि यूएसए में अगर क्रैक करनी हो तो कोई ऐसा कंट्री भी सिलेक्ट करो वहाँ पे अमेरिकन स्टाइल से अमेरिकन मेथड से अगर पढ़ाया जाए तो हमें यूएसए में क्रैक करने में काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि होता है कि आप पैरामेडिकल जब आप कर रहे हैं जो कि सेमेस्टर 1 मतलब आपका सेमेस्टर 1 एंड 2 ईयर 1 एंड 2 में डिवाइड हो जाता है। ईयर 2 में सेमेस्टर 4 में क्लिनिकल्स आने लग जाते हैं बट ईयर 1 एंड 2 में। और अगर आपकी कोई कंट्री है जो आपका एफिलिएट करती है तो आप जब सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो स्टेप 1 देने का वो आपको वैलिडेट कर देते हैं। और फिर कोई अगर मेरी सपोज कॉलेज का हूँ कि अप्रूव्ड है तो मेरा जो ECFMG का अप्रूवल है वो भी मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है वेरिफिकेशन के लिए। और आपने जो क्लैक्स की बात की अगर वो भी किसी अच्छी जगह से की हुआ तो पीजी के बाद आपका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मंथ का सैलरी $20,000 है मतलब कि इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। अगर 3 महीने आप वहाँ कमा के यहाँ पूरे साल का कुछ नहीं कमा सकते तो डेफिनेटली ये यूएसएमबी क्रिएट करना कभी डिफिकल्ट नहीं। इंडिया के लोग भी यूएसएमबी क्लैप दे रहे हैं आजकल क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना है या यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड है पीसी लेना तो फिर इसलिए वो भी ऑब्वियसली ट्राई कर रहे हैं। ओके ग्रेट तो हमने ये जाना कि यूएसएमबी और क्लैप की कितनी इम्पोर्टेंस है और वैसे एब्रॉड में अगर हम एडमिशन लेते हैं एब्रॉड के बाद हम यहाँ आना ही नहीं चाहते अच्छी कंट्री में। और मैंने ये भी सुना है कि अगर यूएसएमबी आप क्रैक करते हो तो 180 प्लस कंट्री में आपको ये एमसीए भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है कि अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन कहीं पे ले रहे हो तो ये बात खास एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप ध्यान में रखें कि आपको यूएसएमबी देनी है क्योंकि अब यूएसएमबी आपने क्रैक कर ली तो एमसीए की जरूरत नहीं है प्लेट की जरूरत भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा तो ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक होगा मेरे ख्याल से। और हमने बात की है कि आपको हमारे सी मेडिकल एजुकेशन का ये जो गाइडेंस रहा है वो कितना काम आ रहा है। श्री मेडिकल एजुकेशन में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी होता है तो गाइडेंस बहुत क्लियर होता है मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ। प्लस श्री मेडिकल एजुकेशन के पीपल ऑलमोस्ट हर कंट्री में तो अगर मुझे फूड से रिलेटेड हो एजुकेशन से रिलेटेड हो या प्रोफेशन या पर्सनल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे एटलीस्ट मेरे कोई इंडियन बंदा तो है जिसे मैं कभी भी जाके बोल सकती हूँ या कभी भी हेल्प मांग सकती हूँ तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और यूएसएमबी के बारे में हमने जो आपको गाइडेंस दिया है वो भी आपको शायद अभी काम काफी क्योंकि गाइडेंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये बात कर रहे थे हम डॉक्टर पूजा से जो यूएसएमबी की प्रिपरेशन बड़ी मेहनत से कर रहे हैं उनको सारे सब क्लियर है कि मुझे यूएसएमबी प्रिपेयर क्रैक करके यूएसएमबी ही सेटल होना है। तो यूएसएमबी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने यूएसएमबी क्रैक कर दी तो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या इंडिया हो या प्ले हो इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। तो ये ध्यान में ये रखना है हमें कि स्टडी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। कोई भी कंट्री में आप एडमिशन ले रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी हॉस्पिटल की एफिलिएशन होनी चाहिए उस कंट्री की जो आराम से आपको क्लैक्सिक मिल सके आराम से आपको इंटर्नशिप मिल सके वहाँ पे। ये कॉलेज की किसी यूएसए में या ऐसे कंट्री में उसकी एफिलिएशन होना जरूरी है। आप एडमिशन ले रहे हो एमबीबीएस में तो हम आपके साथ हैं आपको हम गाइड कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। आपकी टीम में भी काफ़ी सारे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यूएसएमबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी आपको गाइड कर सकते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करनी है पीजी कैसे करनी है। आप कभी भी हमारा रेफरेंस ले सकते हैं हम आपको गाइड करेंगे। इजी अप्रोचेबल है। और ये हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर और वेबसाइट भी दी गई है एनी टाइम हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।